अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाकसार 131। मैं मोहम्मद इसहाक पेश खिदमत हूँ रमज़ान कैलेंडर कराची की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कराची और उसके गिर्द निवाह के मुकम्मल रमज़ान टाइमिंग को देखने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने इस वक्त कराची का रमज़ान कैलेंडर मौजूद है जिसके अंदर सहरी की टाइमिंग और अफ्तारी की टाइमिंग मेंशन की गई है। बआसानी आप इसको नोट फरमा सकते हैं। यकम रमज़ान अल मुबारक जो कि बरोज़े बुध 14 अप्रैल, और इसकी रमज़ान टाइमिंग आप नोट फरमा लें। आते हैं रमज़ान के पहले अशरा की तरफ। तो दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा जो कि अशरा रहमत कहलाता है, जिसकी दुआ वकुल रब्बी गफिर व अरहम व अंत खैरुर्राहिमीन, और कहो कि ऐ मेरे रब, तू बख्शिश और रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा जो कि यकम रमज़ान अल मुबारक से 10 रमज़ान अल मुबारक तक जाता है। यकम रमज़ान जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होता है और इसकी टाइमिंग आप नोट फरमा सकते हैं। आते हैं रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरा की जानब। तो दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा जो कि अशरा मगफिरत कहलाता है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अह मेरे रब, मैं अपने गुनाहों की मगफिरत चाहता हूँ और तेरी जानब पलटता यानी कि तौबा करता हूँ। दोस्तों, ये अशरा जो कि 11 रमज़ान अल मुबारक से 20 रमज़ान अल मुबारक तक जाता है। 11 रमज़ान अल मुबारक जो कि हफ्ते के दिन 24 अप्रैल को आता है। आते हैं अगले अशरा की जानब। तो दोस्तों, तीसरा अशरा जो कि अशरा निजात कहलाता है, जिसकी दुआ अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, यानी कि ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग के अजाब से बचा ले। तो दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा जो कि अशरा निजात है, 21 रमज़ान मुबारक से स्टार्ट होता है और 30 रमज़ान मुबारक तक जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।